अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट एंड यूनिक वीडियो। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन कोफ्ता बनाने की रेसिपी। कोफ्ता बनाना बहुत डिफ़िकल्ट समझा जाता है क्योंकि काफ़ी लोगों के कोफ्ते टूट जाते हैं या फिर हार्ड हो जाते हैं या फिर वो अंदर ही मिक्स हो जाते हैं, लेकिन जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ईजी रेसिपी है। आप आसानी से इसको ट्राई कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह अपने कोफ्ता प्योरी बना सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो पहले मैंने लिए थे इंग्रेडिएंट, उसमें मैंने लिया था, पहले तो चॉपर होना आपके पास लाजमी सी बात है। मटन का मैंने लिया था तकरीबन 3 पाव के करीब मेरे पास कीमा था, इसको मैंने वॉश कर लिया था, साफ़ कर लिया था। और मैंने लिए थे भुने हुए चने, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, बहुत अच्छी तरह पाउडर बना लिया था। और मसालों में था मेरे पास हल्दी, नमक, पिसा ज़ीरा और धनिया, और ये थे 2 लार्ज साइज़ प्याज जिनको मैंने चॉप कर लिया था बहुत अच्छी तरह, और ये था लहसुन एंड हरी मिर्च चॉप की हुई। तो सबसे पहले मैंने चॉपर में डाला था कीमा, प्याज और ये जो मसाले रखे हुए थे, ये सारे मसाले मैंने कोफ्तों के अंदर ऐड किए थे। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था लहसुन और हरी मिर्च वाला पेस्ट, और चने का भी मैंने पाउडर जो था वो साथ इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह चॉपर में चॉप कर लिया था, एक प्यारा सा पेस्ट बना लिया था। तो जब बैटर बन गया था तो मैंने इनकी बना ली थी बॉल्स, इनके हाथ में ऑयल लगा के आप अच्छे से बॉल्स बनाएंगे। तो ये देखें अच्छी तरह बॉल बन गई थी। फिर नॉन स्टिक पैन लेंगे, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाल दिया ऑयल और पहले मैंने हाफ कोफ्ता डाल के उसको अच्छी तरह कर लिया था फ्राई। पहले एक साइड से फ्राई करेंगे फिर दूसरी साइड से, और इसको हम स्पून की मदद से नहीं हिलाएंगे। फिर हम इसके बाद लेंगे एक पैन में ऑयल और उसमें पहले डालेंगे हम लहसुन और हरी मिर्च वाला पेस्ट, इसको बना चॉप किए हुए जो थे इसको करेंगे पहले फ्राई। फिर हम इसमें अनियन डाल के हमारे इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे जब तक ब्राउन कलर ना आ जाए उसका। जब अनियन और लहसुन तक अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा दही, और दही के साथ जो मसाले इसमें ऐड होंगे वो है लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक और हल्दी। वो जो पहले वाले मसाले थे वो मैंने कोफ्तों के अंदर ऐड किए थे, और ये वाले मसाले हम ग्रेवी में ऐड करेंगे। और फिर सब चीज़ों को अच्छी तरह कर देंगे मिक्स, इनको अच्छी तरह मिक्स करके दही का पानी ड्राई होने तक इसे भूनेंगे। और ये देखें फिर मैंने सेकेंड टाइम दूसरी जो बचे हुए कोफ्ते थे वो फ्राई कर लिए थे। तो ये हमारी ग्रेवी अच्छी तरह हो गई थी फ्राई। फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे हमारे जो कोफ्ते थे जो हमने फ्राई किए हुए थे पहले से ही, वो इसके अंदर मैंने ऐड करने के बाद उसको उसके अंदर थोड़ा सा डाला था पानी, और उसको तकरीबन 10 मिनट मैंने रख दिया था एकदम लो फ्लेम पे ताकि सब चीज़ एक दूसरे के अंदर बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो 10 मिनट जब मेरे कोफ्ते अच्छी तरह लाइट फ्लेम पे पक गए थे तो ये था इनका फाइनल लुक। आप इसके अंदर और पानी ऐड करके इसकी और अच्छी तरह ग्रेवी बना सकते हैं, मतलब और ज़्यादा ग्रेवी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इस इतनी ही नीड थी तो मैंने इतनी ही ग्रेवी रखी। और फिर मैंने इसको किया था डिश आउट, और ये था मेरे डिश आउट करने के बाद इसका फाइनल लुक। आप इसको हरे धनिया से भी गार्निश कर सकते हैं, हरी मिर्च से भी कर सकते हैं, मेरे पास हरा धनिया अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने इसको हरी मिर्च से गार्निश किया था। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।